तो फाइनली दोनों भाई रेडी हो गए डांडे जाने के लिए। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो अभी गाइज मस्त रेडी हो गए दोनों भाई और अभी हम जा रहे हैं मुंबई, बिकॉज अमेजोन मिनी टीवी पे न्यू शो है जिसका नाम है कैंपस बीट्स। इसका सीजन 2 आया है, सीजन 1 हमने देखा था, हमको बहुत पसंद आया, तो सीजन 2 आया अब, तो उसके लिए हम जा रहे हैं इनके कास्ट से मिलने के लिए, शांतनु से मिलने के लिए। आप जानते हो कि शांतनु को, और एक बहुत लंबी स्टोरी है 5 साल पुरानी जो कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा सुन के, मेरी और शांतनु की, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, फिलहाल मुंबई चलते हैं, इन सबसे मिलते हैं और मस्ती करेंगे, डांस प्रैक्टिस करेंगे और डांडिया भी खेलेंगे, हमारा प्लान है, बहुत कुछ करने वाले हैं, तो फुल मस्ती होने वाले आज। तो अगर आपको भी देखना है कैंपस बीच, तो आपका अमेजन शॉपिंग ऐप को ओपन करना है, यहाँ पे आपको मिनी टीवी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैंपस बीच, तो यहाँ से देख सकते हैं आप सीजन 2। अभी फिलहाल निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए और पोर्शे हम यहीं पे खड़ी करके हम कैब से जा रहे हैं, बिकॉज एयरपोर्ट पे पोर्शे नहीं खड़ी कर सकते ना, तो पोर्शे हम यहीं खड़ी कर रहे हैं, तो वेट कर रहे हैं कैब का, कैब आएगी फिर निकलते हैं एयरपोर्ट। तो गाइस फाइनली टाइम से एयरपोर्ट पहुंच गए, अब चलते हैं प्लेन में और जाके मिलते हैं सीधा शांतनु से। भाई मैं तो उनका मतलब 8 साल से फैन हूँ और 5 साल वाली स्टोरी आपको बताऊंगा, उनसे मिलके उनको बताऊंगा, कैब तो उनको याद है नहीं है, बट कुछ हुआ था 5 साल पहले। गाइस अब तो मन ही नहीं करता एयरपोर्ट और प्लेन का व्लॉग बनाने का, इतना बना लिया ना, रास्ता दिखाऊंगा म्यूजिक लगाऊंगा, वो तो करेंगे, वो तो वसूल होता है हर ब्लॉगर का कि रास्ता दिखाना से म्यूजिक लगाना। गाइस यहाँ पे देखो स्क्रीन नहीं है, बट मैंने स्क्रीन बना दी, अपना आईपैड लगा दिया यहाँ पे मस्त, तो अब देखते हुए जाऊंगा मैं। एक साथ में इतनी सारी लड़कियों के लिए फीलिंग्स होना पॉसिबल कैसे है? क्यों नहीं है, हर किसी के लिए अलग फीलिंग है। मतलब प्यार है या नहीं? प्यार वो लव से पहले लाइक के इतने स्टेजेस होते हैं कि बात लव तक पहुंचती नहीं है। तो बिना लव कमिटमेंट दे देते हो? कमिटमेंट की किसने बात की? एंड यू नो राइट कि कमिटमेंट एक स्टोरी है जो लोग सुना सुना कर तुम्हारा ब्रेन वॉश करते हैं। तो गाइस मुंबई पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं सीधा होटल और फिर मिलते हैं सीधा शांतनु से। अभी हम ढूंढ रहे हैं हमारी कार आ गई है। अरे ये तो वही होटल है, हम पहले भी तो आए हैं यहाँ पे, तो पानी को देख के याद आ गया। चेक इन करते हैं, आज पीयूष चेक इन करेगा। सौरभ जोशी और पीयूष जोशी के नाम से बुकिंग है, तुझे बस ये बोलना है, जा डर मत, यू कैन डू इट, जा। गाइस पीयूष को शर्म आती है, कह रहे उधर जाके बैठो। तो गाइस पोपट हो गया, रूम तो मिला नहीं, अभी हम आगे ऊपर लंच के लिए, क्या खाएगा बता? गोलगप्पे हैं, हाँ मिल रहे, अभी ट्राई करेंगे। ओ भाई इधर से तो और भी मस्त लग रहा है, देखो। पीयूष को यहाँ गोलगप्पे मिल गए। गाइस यहाँ तो सेवपुरी भी है, हमारी फेवरेट भाई, ये सही है, 5-star होटल में भी हमको पानी पूरी सेवपुरी मिल गई, समोसे भी हैं। हम रूम में नहीं गए, हम सीधा यहीं पे आ गए, बिकॉज भूख लग रही थी ना। थैंक यू, हमारी पानी पूरी और सेवपुरी आ गई है, अब ट्राई करते हैं, मेरा ऑल टाइम फेवरेट। तो अभी खाना पीना खा के आगे रूम पे, तो पहले रूम टूर देता हूँ आपको। तो काफी बढ़िया रूम है, देखो यहाँ पे सोफा बेड हमारा। गाइस वॉशरूम ही इतना बड़ा है, देखो यहाँ से लेके वहां तक, यहाँ से हम वहाँ पे भी जा सकते हैं रूम में अपने, मस्त लग रहा है। चलो बाय 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 बाय, वही रोड और मेट्रो वाला व्यू दिख रहा है यहाँ से, देखो। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं जहाँ पूरी टीम से मिलने वाले हैं, तो चलते हैं अंदर स्टूडियो में सभी। चलो रिहर्सल चल रहे हैं यहाँ तो। आपसे मुझे बात करनी है। अच्छा 5 साल पुरानी बात है वो, क्या है ये? देखो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, जो कि 8-9 साल, वो DC कब आया था? 2011 10 साल से मैं आपका फैन हूँ। ओके थैंक यू, ठीक है। तो मैंने आपके लिए कुछ किया था, मैं आपको दिखाता हूँ पहले वो, ठीक है। 5 साल पहले मैंने आपके लिए एक ड्राइंग बनाई थी अपने आर्ट चैनल पे। आपने लाइक भी किया, मैं दिखाता हूँ। 5 years ago, तो मैंने 5 साल पहले बनाई थी आपकी ड्राइंग, ठीक है, ये बनाई थी मैंने, इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की थी मैंने और डाली थी अपने आर्ट चैनल पे। वाह यार, कितना अच्छा आर्टिस्ट है।
हाँ ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट, ठीक है, तो मैंने ये बनाया था आपके लिए, ठीक है। और इन्होंने गलत क्या किया? और सब बताता हूँ। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करके टैग किया था, तो किसी ने वो चुरा के आपको टैग करा, यही ड्राइंग। ओके। और आपने उसकी वाली शेयर करके उस पे कमेंट कर दिया। अब तो ये एक सेकंड है, मैं ना सहता, एक बात बताओ, मेरा आर्टवर्क मैंने बनाया और आप किसी और का शेयर कर रहे हो। अब जो मुझे टैग करेगा मुझे तो यही लगेगा कि या तो कमेंट में लिखेगा कि इसने बनाया तो मैं उसको टैग करूं, अगर नहीं बनाया तो मैं कैसे कर लाना। उसकी है जिसने कॉपी, जिस कॉपी की है यार, ये अच्छा बनाया। मैंने सोचा इन दोस्त टाइम कि मैं आपसे मिल पाऊंगा। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ स्टार्टिंग से ही, मतलब देख लो 5 साल पहले मैंने वीडियो अपलोड किए, 5 साल बहुत क्लियर है मेरे को। आई रिमेंबर दिस, ये बीच में बहुत रोटेट हुआ था, आई रिमेंबर दिस फोटोग्राफ। इसने मुझे डरा दिया भाई। नहीं, ये मजा। शो के बारे में बताओ, कैसा एक्सपीरियंस था शो के साथ में? एक्टिंग भी कर रहे, ऊपर से उसके बाद इतनी लंबी रिहर्सल्स होती थी, सबको चोटें लगी थी, बट एवरी चोट लगी हुई थी ऐसे, मतलब पैर मुड़ गया है वो, उसके बाद भी सब डांस कर रहे थे, वो जो ऐसा पैशनेट थे ना सब, वो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। गाइस ओनली डांसिंग ही नहीं है, फन है और थ्रिल भी है, मतलब बहुत कुछ है, मिस्ट्री भी है, कैंपस का खुराफाती दिमाग चलता है हमारे उस एज में, एक्शन भी है, सबसे मेन सस्पेंस है, बहुत तगड़ा वाला सस्पेंस है। एक सीन में आप बोलते हो हर लड़की के लिए अलग फीलिंग होती है, तो मतलब उसका मतलब क्या है? हर लड़की के लिए अलग फीलिंग होती है, रिलेशनशिप को मैटर नहीं करता। नहीं नहीं, रिलेशनशिप की बात ही किसने की? रियल लाइफ में भी ये बात मानते हो? मेरा ये कहना नहीं कि बहुत सारी लड़कियों के साथ रहो, एट अ टाइम एक के साथ रहो, बट नहीं नहीं, चलो शो में तो चलो ठीक है, शो देख लो तो समझ में आ जाएगा कैंपस। चलो शो में ठीक है, आप रियल लाइफ में भी ये मानते हो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल। और इन्होंने तो बवंडर मचा दिया था लास्ट में, हर सीजन में मचाती है। अब हम करवाएंगे सौरभ को डांस। यस, डांस तो मेरे को आता है, लेकिन मुझे ब्रेक डांस आता है, मजा आएगा। तो अभी हमें किंग्स डांस स्टूडियो में, अरे इसको अब वो करो, ये करो, ये अच्छा वाला करो, तो लाउड करवा, हाँ ऐसा कुछ लाउड करो, हाँ ऐसा था, हाँ वो ये नहीं लगेगा, सब करवाएंगे, ऐसा लग रहा है ट्रेन छूट रही है। लेफ्ट लेग ऊपर है आपका, लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग, हाँ अभी पुश कर रहे पीछे, नेक्स्ट पीछे, ये स्ट्रेट हो जाएगा, हाँ देन ये ऊपर आएगा मेरा टेढ़ा हो रखा है। पीयूष ने तो किया ही नहीं, अरे पीयूष ने तो किया ही नहीं। चलो चलो अब तुम सारे करके दिखाओ। सीख ले, नेक्स्ट सीजन में तेरे को आना है साथ में, साथ में। तो भी गाइस बैठे हैं लंच के लिए सभी, सभी गाइस देख लो, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। 5 साल पहले मैंने सोचा भी था कि मैं मिलूंगा, और अब देखो साथ में बैठ के लंच कर रहे हैं। ये शो में आपको नेत्रा, ठीक हाँ। है, नेत्रा के डैड का क्या होता है? मर्डर। किस दिन होता है पता है? 8 सितंबर। 8 सितंबर को होता क्या है आपका बर्थडे? हाँ। अरे तो भी गाइस आ चुके हैं होटल पे, और आज हम जाने वाले डांडिया नाइट पे, तो हमारे पास हमारे कपड़े आ गए डांडिया वाले, वो दिखाता हूँ आपको। ये मेरा, तेरा कौन सा है फिर?
गाइस ये देखो पीयूष को क्या मस्त लग रहा है, डांडिया वाले कपड़े। अभी नीचे का भी डाल, नीचे का ये भी डाल, मजा आएगा। और गाइस मेरे को देखो, मेरी ड्रेस ये है, तो कमेंट में बताना कैसी लग रही है। मेरे से 3 फीट हो जाएंगे इसके। गाइस हमारा फर्स्ट डांडिया होने वाला है, हमने आज तक कभी डांडिया नहीं खेला, तो फाइनली दोनों भाई रेडी हो गए डांडिया जाने के लिए। तो कमेंट के बताना कैसे लग रहे हैं दोनों के दोनों। ट्रेडिशनल ड्रेस डाली हमने, मुंबई में यहीं पे मस्त जाएंगे और वहाँ पे हजारों लोग होंगे। गाइस अंधेरा हो गया है और ट्रैफिक देखो सामने भाई, कितनी सारी गाड़ियाँ। अभी पता हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 12,000 लोगों के सामने स्टेज पे खड़े होंगे। फाइनली रेडी है स्टेज पे जाने के लिए सभी के सभी। फाइनली रेडी है स्टेज पे जाने के लिए। बहुत सारे लोग होने वाले हैं, बहुत सारे लोग। नेक्स्ट लेवल एनर्जी है सबकी, बहुत नेक्स्ट लेवल एनर्जी। मेरे को ये बोला था कि पहली बार इतने टाइम से जब मैं बाल कटाया, आज इसके बाल देखकर मुझे ऐसा अपने बाल मिस हो रहे हैं। ओके गाइस बाय बाय। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं होटल रूम पे और टाइम देखो रात के 1 बज चुके हैं। आज का दिन काफी बेस्ट था, काफी हेक्टिक था, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत नए नए एक्सपीरियंस मिला, बहुत नए नए लोगों से मिलने को मिला, स्पेशली शांतिनु से, मतलब जिनका मैं फैन था पूरे 10 साल पहले से। मैंने सोचा था मैं उनसे मिलूंगा, बट फाइनली आज मिल गया उनको। बताया मैंने कि मेरे साथ में क्या हुआ था और काफ़ी मतलब नए नए एक्सपीरियंस, जैसे गरबा खेला, ये कपड़े डाले, मीटअप हो गया, इतने सारे लोगों से मिले हम, फोटोज ली, डांस किया, डांस प्रैक्टिस की। तो मतलब आज का दिन ना काफ़ी बेस्ट था। तो गाइज आप भी जरूर जाके देखना कैंपस बीट अमेजन मिनी टीवी पर, सीजन 2 आ चुका उसका और अमेजन मिनी टीवी की ऐप भी आ चुकी गाइज, तो आप डाउनलोड करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो बस फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. We keep moving like the